हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिस्कवर पॉम्पे। और आज हम है यहाँ पर इन माय हैप्पी किचन। सो यू कैन सी दिस, तो आपको समझ में आ रहा है दैट आई एम गोइंग टू डू सम कलिनरी एक्टिविटी टुडे। द थिंग इज, कल परसों में वैलेंटाइंस डे है और फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट तो नहीं कर पाऊँगी, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल, समथिंग वेरी स्मॉल, क्विक, ईजी बट स्पेशल फॉर माई हस्बैंड। तो मैंने सोचा कि मैं एक पुडिंग बनाती हूँ, विच शुड बी अ स्ट्रॉबेरी पुडिंग रेसिपी। तो ये वैसे मैंने बहुत बार बनाया है पहले और बना के देखा है दैट इट इज़ वेरी ईजी। तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं बनाऊँ। सो आई थॉट कि हाँ ठीक है, घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं उससे मैं फटाफट से मैं कुछ बनाती हूँ। इट शुड बी जस्ट अ स्मॉल काइंड ऑफ ट्रीट फ्रॉम मी टू हिम। और हाँ, एक और चीज़ भी है कि मैं ये जो इंटायर जो वैलेंटाइंस वीक चलता आता है ना, लाइक रोज़ डे, देन प्रॉमिस डे, देन सम हग्स डे, किस डे, एंड यू नो टेडी डे, समथिंग समथिंग। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। वाई? बिकॉज इफ़ यू रियली हैव अ लविंग हार्ट एंड इफ़ यू हैव दोज पीपल अराउंड यू जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि हर एक चीज़ों को अलग अलग, हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग दिन रखने की कोई ज़रूरत है। सिंस मैं खुद भी एक डाई हार्ड चॉकलेट लवर हूँ, तो मैं खुद भी जब भी वेन एवर आई एम हेडिंग इन अ शॉप, आइडियली फील लाइक बाइंग अ चॉकलेट। मैंने जब जी किया मैंने खरीद लिया। आई गिफ्ट इट टू माई सेल्फ और मे बी माई हबी ऑल्सो गिफ्ट इट टू मी, या फिर इफ़ आई रियली फील लाइक गिफ्टिंग अ रोज टू माई ब्रदर और मे बी टू माई फ्रेंड्स, आई रियली डू इट वेरी ईजीली। आई डोंट नीड अ स्पेशल डे फॉर दैट। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ पॉइंट दैट साल में कोई भी एक दिन को आप थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा आप सेलिब्रेट करें, थोड़ा सा ज़्यादा आप स्पेशली ट्रीट करें, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट मुझे नहीं लगता हर एक दिन के लिए, मतलब इट शुड नॉट बी जस्ट वन मदर्स डे इन अ ईयर और जस्ट वन वुमेंस डे इन अ ईयर और मे बी जस्ट वन वैलेंटाइंस डे। यू शुड हैव एवरी डे एज अ वैलेंटाइंस डे फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट फॉर द रोमांटिक पर्सन इन योर लाइफ। और डेफिनेटली इफ़ यू रियली वॉन्ट टू शो, टू एक्सप्रेस योर लव, आई थिंक यू कैन डू इट फॉर एवरी वन, फॉर योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, फॉर योर ब्रदर, सिस्टर, हु एवर इट इज़। एंड सेकेंडली, हर दिन को मनाइए यार, क्या है बाकी। अदरवाइज दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। आई थिंक टेडी डे, वॉट इज़ टेडी डे? देर इज़ नो टेडी डे। वॉट इज़ अ रोज डे? देर इज़ नो रोज और चॉकलेट डे आई थिंक। Or obviously there is no, there should not be any particularly hugs day and kiss day, all right? So don't get trapped into such marketing gimmicks. Aapko jab jaise ji kare aap celebrate karo usko. Also obviously do it with everyone. Don't just limit yourself into one particular segment. Anyways, bahut sari gyan ki baatein ho gayi. To main abhi fatafat se mera jo pudding ka recipe hai main wo shuru kar deti hu. एंड ऑल्सो ये इतना क्विक, ईजी और मेरा बहुत ही फेवरेट एक ये रेसिपी है, तो मैं ये करते करते आप लोगों को बताती भी जाऊँगी कि हर एक स्टेप का क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स या सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली हम में से कोई नहीं चाहेगा कि बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम बनाएं या फिर मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़े। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो घर में जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कम से कम चीज़ों से हम कैसे बहुत जल्दी से कुछ अच्छा बना सकें। सो जस्ट फॉलो दोज थिंग्स। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगता है कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस, अगर कुछ लग रहा है कि आप उससे शेयर करना चाहते हो या फिर यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग टू इट, प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे बताना ज़रूर। और ऑल्सो अगर कुछ भी सजेशन है, एज़ यूजल आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ लेट मी नो। And if you really like my video, उसको like, share और subscribe भी ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या ingredients मैं use कर रही हूँ, and you'll be surprised to know there are just number of 4 to 5 ingredients in this, okay? So ये है milk, alright? यहाँ पर है stevia. I'm going to use stevia basically this time, just for the diet conscious people
who are not willing to use sugar, जिनको चीनी use नहीं करनी है, उनके शक्कर के बजाय मैं इस बार शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ. एंड ये है मेरा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और यहाँ पर है वनीला एंड जस्ट दिस मच कॉर्न स्टार्च. तो मैं पहले स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा धो लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या मैं बना रही हूँ. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है. नाउ द थिंग इज़, ये मैंने वनीला एसेंस लिया है. वनीला इज़ समथिंग कि आप अगर कोई और भी चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं तो भी सिर्फ वनीला, ओनली वनीला कैन वर्क एज अ वंडर. इसका खुद का फ्लेवर ही इतना सुंदर होता है कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड इनफैक्ट अगर आप कोई और चीज़ अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो भी वनीला विल रियली हेल्प यू अ लॉट. और ये रहा, मैंने 2 कप्स ऑफ मिल्क ली हैं. ये मैंने शुगर फ्री लिया है जो स्टेविया है. एंड दिस स्टेविया इज़ बेसिकली, इट इज़ लाइक शुगर का जितना भी क्वांटिटी होता है उसका 1/4 स्टेविया आप ले सकते हो. तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1/2 कप या 1/4 कप मैंने स्टेविया लिया हुआ है. इसके बजाय अगर आप चीनी लेते हैं तो फिर प्लीज़ टेक इट समथिंग अराउंड 2/3/4 कप या 1 फुल कप ऑफ शुगर. अच्छा, ये है कॉर्न स्टार्च और नमक. नमक मैंने बहुत ही कम लिया है, इट्स जस्ट लाइक विथ हेड ऑफ द स्पून. तो इट शुड बी वेरी मच लाइक 1/4 स्पून जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट. सो मैंने 2 स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च लिया है एंड 1/4 स्पून ऑफ सॉल्ट लिया है. ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है जो मैंने धो के रखे हैं, अभी मैं इनको काटूंगी. एंड हियर इज सम चिया सीड्स. चिया सीड्स मैं बिल्कुल एंड में, पुडिंग में मैं इसको मिलाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू एड सम क्रंचियर थिंग टू दी पुडिंग एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी हेल्थी. तो अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को पहले काट लूँगी. मुझे स्ट्रॉबेरीज़ की प्योरी बनानी है तो उस वजह से मुझे स्ट्रॉबेरीज़ को मैं पहले सबसे पहले छोटे छोटे करके काट लूँगी. ये मुझे देखना है कि स्ट्रॉबेरीज़ राइप है कि नहीं. अगर बहुत ज़्यादा कच्चे हों तो भी, तो फिर ऑब्वियसली इनको इनमें शुगर या फिर स्वीटनेस की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. बट आई डोंट थिंक दे आर टू रॉ. ये मुझे काफ़ी राइप लग रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली आई विल एडजस्ट टू दी शुगर या फिर जो मैं अभी फ़िलहाल मीठा जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ स्टेविया. प्योरी के लिए स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा काट रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ताकि जल्दी से ब्लेंड हो जाए. बहुत जल्दी से मैं चाहती तो मैं इसको ब्लेंडर में या फूड प्रोसेसर में अच्छे से मैं इसको पीस सकती थी. बट आई वॉन्ट इट टू बी लिटिल बिट ऑफ यू नो, कि थोड़ा पार्टिकल्स इसमें आए स्ट्रॉबेरी का. और इसको मैं हाथ से यानी बॉयल करके मैं इसको फिर स्पैटुला से मैं इसको बीट करना चाहती हूँ. सो दैट ये थोड़ा सा बाइट में, हर बाइट में मैं स्ट्रॉबेरी को फील कर सकूँ. अच्छा, बाय द वे आई विल कीप 1 or 2 strawberries फॉर द डेकोरेशन पर्पस. तो उसी वजह से मैं फ़िलहाल उनको छोड़ के बाकी सारे स्ट्रॉबेरीज़ को मैं अभी काट लेती हूँ. स्ट्रॉबेरीज़ को वैसे भी बॉयल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं. बाय द वे मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ, अगर आपके घर पर स्ट्रॉबेरीज़ नहीं हैं देन यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी फ्रूट लाइक बनाना. ऑफकोर्स नॉट द वेरी साउर वंस, नॉट द साइज टू मच ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, बट येस ऑफकोर्स यू कैन यूज़ बनाना, यू कैन यूज़ मैंगो. एंड अदर देन दैट, अगर आपको फ्रूट के बिना अगर कोई चीज़ बनानी हो तो फिर डेफिनेटली यू कैन यूज़ चॉकलेट फॉर टू मेक चॉकलेट पुडिंग्स, या फिर यू कैन मेक इट वेरी प्लेन वनीला पुडिंग ऑल्सो. उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली दिस वनीला एसेंस जो मैंने अभी साइड में रखा है वही काफ़ी होगा. एंड येस ऑफकोर्स जो मैंने यहाँ पे मिल्क रखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो नॉर्मल मिल्क की जगह अगर आप चाहें तो आप सोया मिल्क या फिर आमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट टोटली वेगन. स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस भी रेडी हैं, इनसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ. तो मैं इनको अलग से एक बाउल में डाल देती हूँ. ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आई पुट द पैन ऑन द ओवन. मैं इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी बना लेती हूँ. सो फॉर दिस आई एड सम वाटर एंड द स्ट्रॉबेरीज इन इट. जैसे ये बॉयल होना शुरू हो जाएंगे मैं इनमें चीनी मिला दूँगी. इसको थोड़ी देर तक बॉयल होते देना है. एंड यू कैन सी जैसे ये बॉयल होते जाएंगे ये अपना कलर छोड़ते जाएंगे. एंड द स्ट्रॉबेरी हैव सच अ ब्यूटिफुल कलर. इनको शायद बॉयल होने में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे. तो आप देख सकते हैं कि अभी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं और मैं इनको धीरे धीरे स्पैटुला से ब्रेक कर रही हूँ ताकि थोड़ा और मैशी हो जाए.
जैसे ये थोड़ा और स्मैशी हो जाएगा मैं इसमें स्टेविया मिला दूंगी। आप इसी तरह से चाहें तो बनाना प्यूरी भी बना सकते हैं, मैंगो प्यूरी भी बना सकते हैं। बस ये याद रहे कि प्यूरी वैसे सॉफ्ट थोड़ा ज़्यादा थोड़ा स्वीट होना चाहिए। अब ये काफ़ी मैशी होने लगा है, सो आई एड द स्टीविया एंड द सॉल्ट इनटू इट। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, आप चाहें तो आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं पुडिंग के लिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। थिकनिंग एजेंट के हिसाब से अंडा काम करता है एंड ऑब्वियसली एग ईटर्स विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि मैं पुडिंग को विदाउट एग्स बनाऊंगी बिकॉज पर्सनली मैंने हमेशा पुडिंग विदाउट एग्स ही बनाए हैं। सो नाउ आई हैव ऑलरेडी मेड इट क्वाइट मैशी एंड द स्मेल इज कमिंग नाइस। जैसे जैसे ये बॉयल होता जा रहा है मैं इसको और भी थोड़ा ज़्यादा तोड़ती जा रही हूँ। इसने अपना कलर ऑलरेडी छोड़ दिया है, बट येस ऑफकोर्स जैसे मैंने चाहा था कि बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल, अगर मैंने इसको ब्लेंडर में या फिर अगर प्रोसेसर में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया होता, अगर मैंने इसको ज़्यादा पीस लिया होता तो ये बहुत ज़्यादा सूपी बन जाता, जो कि मैं नहीं चाह रही थी बेसिकली। अगर आप चाहें तो आप प्रोसेसर में इसको प्रॉपर ब्लेंड करके फिर आप शुगर के साथ या फिर आप स्टेविया के साथ आप इसको बना सकते हैं। सो आई थिंक माई स्ट्रॉबेरी प्यूरी इज़ रेडी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब हम दूसरा वाला पार्ट कवर करेंगे विद द मिल्क एंड कॉर्न स्टार्च। सो दिस इज़ द मिल्क जिसको मैंने एक सॉस पैन में डाल दिया है एंड आई विल वेट फॉर इट टू बॉयल। पहले मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। जैसे ये बॉयलिंग स्टेज में आ पहुँच जाता है वैसे मैं उसके बाद कॉर्न स्टार्च और वनीला एसेंस मिला दूँगी। तो गाइस, अब तक ये जो कॉर्न स्टार्च है इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला के, 2-3 चम्मच पानी मिला के मैं इसका एक थोड़ा सा एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये है कॉर्न स्टार्च और नमक जो मैंने एक जगह पे रखा हुआ था और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मिला दिया है। सो जैसे जैसे ये दूध उबल जाएगा तब तक मैं उसके बाद में ये कॉर्न स्टार्च मिला दूँगी। देख सकते हैं कि दूध उबल चुका है, सो अब मैं इसमें कॉर्न स्टार्च मिला दूँगी और हाँ, साथ में मैं वनीला एसेंस भी जल्दी से मिला दूँगी। अभी हल्का सा थिक होने लगा है तुरंत, क्योंकि ये आप ध्यान में रखें कि जैसे कॉर्न स्टार्च मिलाएंगे ये थिक होने लगेगा। आप इसको सिमर करके जस्ट वेट फॉर 1-2 मिनट्स और प्लीज़ इसको बार बार इसको स्टर करते रहिए, क्योंकि नहीं तो ये नीचे लग सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि जैसे ये बहुत थिक भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा ये लिक्विड भी ना रहे, बिकॉज एक बार हम स्ट्रॉबेरी प्यूरी इसमें मिलाएंगे तो थोड़ा सा लिक्विड ये फिर से हो जाएगा। कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब 2 मिनट हो चुका है और मैं इसको अभी ऑफ कर दूंगी। नाउ इज़ द टाइम जब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी मिला दूंगी और स्ट्रॉबेरी मिलाने के बाद इसको अच्छे से स्टर करके इसको मिला लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने गैस ऑलरेडी ऑफ कर दिया है, सो अभी ये सिर्फ गर्म है एंड मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। यस गाइस, अगर आप लोग अंडा यूज़ कर रहे हैं पुडिंग में तो दिस इज़ द टाइम जब आपको अंडा मिलाना है। एग योक को अभी आप मिलाएं, गैस ऑन रख के ना मिलाएं। मिल्क में मिलाने के बाद स्ट्रॉबेरी हैज़ बिकम, इट हैज़ टेकन इट्स ओन कलर और ये एक पिंकिश ह्यू ले चुका है। अब मैं इसको जल्दी से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि जैसे ये जितना जितना ये कूलिंग होता जाएगा उतना ये सॉलिडिफाई होता जाएगा। नाउ इज़ द टाइम अब मैं चिया सीड्स को इसमें मिला दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही चिया सीड्स सोक करने लगेगा एंड क्रंचीनेस इसमें पूरी तरह से आ जाएगा। सो नाउ आई विल ट्रांसफ़र द पुडिंग इनटू द पुडिंग बाउल। तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी पुडिंग अब बनके तैयार है। मैं वेट करूँगी कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके बाद मैं इसके ऊपर मैं जो मैंने ये जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने काट के रखे हैं इससे मैं डेकोरेट कर दूँगी। तो गाइज, स्ट्रॉबेरी पुडिंग अब टोटली ठंडा हो चुका है और मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग और डेकोरेशन मैंने कर दिया है। देखिए कैसा बनाया है। तो ये देखिए, ये है वो स्ट्रॉबेरी पुडिंग और आप हार्ट्स देख सकते हो मैंने कितने डेडिकेशन के साथ ये टेढ़े मेढ़े हार्ट्स बनाए हैं। जैसे भी हैं मेरे हैं शादी के 7 साल बाद और इससे ज़्यादा अच्छा आप कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हार्ट्स ऐसे ही बन जाते बिल्कुल टेढ़े टेढ़े। चलिए ठीक है। सो गाइज, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। जैसा भी था मैंने बहुत ही दिल से बनाया है पुडिंग भी और ये वीडियो भी। सो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे विथ मी. बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे अगले ब्लॉग के साथ. मैं सोच रही हूँ जो भी कुछ करूँ मैं, लाइक इट माइट बी अ सिंगिंग और कहीं मैं घूमने गई या फिर कुछ और रेसिपी, ऐसे ही मेरे टेढ़े मेढ़े रेसिपीज, तो उनको मैं बहुत जल्दी मैं लाऊंगी आप सबके लिए. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.